पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल हमारे पड़ोस का सुंदर पहाड़ी देश है। यह हमारा मित्र देश है। नेपाल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध हैं, भारत और नेपाल में क्या समानताएं हैं, यह जानने के लिए पाठ पढ़ो। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल के साथ भारत के संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण हैं। यहाँ के मूल निवासी गोरखे और शेरपा हैं। गोरखे कद में मंझले किंतु शरीर से हट्टे कट्टे और स्वस्थ होते हैं। उनकी नाक चपटी और गालों के ऊपर की हड्डियाँ कुछ उठी हुई होती है। आंखें छोटी और माथा संकरा होता है। उनका रंग कुछ गेहुआ पीला होता है। इनका सबसे प्रिय हथियार खुखरी होता है। ये वीर साहसी उदार और प्रसन्नचित होते हैं। नेपाल की दूसरी प्रमुख जाति शेरपा है। शेरपा जाति के लोग भी उतने ही हट्टे कट्टे होते हैं जितने कि गोरखा। ये परिश्रमी होते हैं। भारी सामान को अपनी पीठ पर लादकर बड़ी सरलता से पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तेनजिंग शेरपा जाति के ही थे। शेरपा तीर्थयात्रियों को अपनी पीठ पर कुर्सी रखकर उस पर बैठाकर तेजी से पहाड़ों पर ले जाते हैं। ये पहाड़ों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। निचले क्षेत्रों में नेपालियों के घर बांस और लकड़ी के बने होते हैं। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर के मकान बनाए जाते हैं किंतु उनकी छतें स्लेट की बनी होती हैं। तराई वाले इलाकों में घास के मैदान और कहीं कहीं घने जंगल पाए जाते हैं। इन जंगलों में बांस, बबूल, सागौन आदि के पेड़ मिलते हैं। यहाँ शेर, भालू, हिरन, गैंडे, भेड़िए आदि जानवर पाए जाते हैं। पेड़ों से इमारती लकड़ी, गोंद, मोम, शहद आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। वहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है। नेपालियों का मुख्य व्यवसाय खेती करना है। तराई और उससे कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। यहाँ सेवार नामक घास पैदा होती है। इसी घास पर याक पलते हैं। याक नेपाल का सबसे उपयोगी पशु है। इसे नेपाल की कामधेनु भी कहा जाता है। यह माल ढोने के काम आता है। साथ ही इसे दूध, मांस और चमड़ा भी प्राप्त होता है। इसके बाल और सींग भी बहुत उपयोगी होते हैं। याक के अलावा यहाँ गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ और भैंसे भी पाई जाती हैं। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में कस्तूरी मृग पाया जाता है। इसी हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। इसकी सुगंध बहुत तेज होती है। यहाँ अदरक भी खूब पैदा होता है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ यातायात की सुविधाओं का अभाव है। नेपाल बिहार सीमा पर रक्सौल से अमलेखगंज तक 100 किलोमीटर का रेल मार्ग है। यहाँ से काठमांडू तक पक्की सड़क है। इस राजमार्ग का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से हुआ है। इसे त्रिभुवन राजमार्ग कहा जाता है। यहाँ वायु मार्गों को अधिक महत्व प्राप्त है। काठमांडू यहाँ का मुख्य हवाई अड्डा है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। यहाँ स्थित पशुपतिनाथ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। भारतीय लोग भी इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन और तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान भगवान बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। नेपाल में हिंदुओं की संख्या अधिक है, अतः यहाँ दीपावली, दशहरा आदि त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। नेपालियों और भारतीयों के रहन सहन, सभ्यता, परंपरा आदि में काफी समानता पाई जाती है। भारत और नेपाल
दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी और मित्र देश हैं।